सत श्री अकाल जी, मैं दलजीत सिंह, नैशनल कोचिंग सेंटर मानसा तो। साडा जिहड़ा ऑनलाइन बैच आ वो अगले पड़ाव आ गया तो कई स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी कर लिया तो असी काम शुरू करता है। अपने जिहड़े टॉपिक लगातार कंटिन्यू पा रहे हैं असी तो यही सानू रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द तो जल्द जिहड़ा गा वो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो तो अपने पेपर की जिहड़ी तैयारी करनी शुरू कर दो, चाहे वह पी एस टैट है, चाहे वह किसी होर जॉब नू लैके आ, चाहे वह मास्टर कैडर की है। सारे सूँ लैक्चर अवेलेबल मिलेंगे नैशनल कोचिंग सेंटर मानसा की ऐप तो। पिछले लैक्चर आप हिस्टरी का कराया जैनिज़म, उस तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस तो बाद आर्या सभ्यता, फिर जैनिज़म किया महाजनपद बारे। इस जिहड़ा अज का टॉपिक है वो अपना बुद्धिज़म का, बुद्ध धर्म का। जे देखा जाए तो पंजवीं छेवीं सदी में यह दो धर्म से जैनिज़म तो बुद्धिज़म जिहड़े उपर उठ के आए हैं, जिन्हों के ज़्यादा जिन्हों कह दिए प्रफुल्लित होए ने धर्म। ये दोनों धर्मों में महात्मा बुद्ध जैनिज़म जिहड़े ने उन्हें महात्मा बुद्ध जी आप कह दिए थोड़ा उपर सी, तो बुद्ध धर्म जिहड़ा बहुत अगे गया, बाहरलियां कंट्रीज़ विच भी प्रफुल्लित होया। जे आप दक्षण वल देख लीए तो लंका विच, बर्मा विच, जे आप उत्तर वल जाइए तो यह नेपाल हो गया, उहदे विच चीन हो गया, तिब्बत हो गया, इत्थों तक जिहड़ा ये फैलिया हुआ सी धर्म। तो महात्मा बुद्ध जीवन जिहड़ा सीगा वो एक राजकुमार वाला जीवन से, वह जीवन को त्याग करके उन्होंने उन्हां दी तपस्या सी जिहदे करके ये धर्म इन्ना प्रफुल्लित हो सकिया। धर्म सी जिहड़ा कोई भी धर्म है एक बार जदों बन जांदा तां उहदों फाड़ भी हुंदा, दो पासे बन जांदे उहदे। उसे तरह महात्मा बुद्ध जिद्दां जैनिज़म कीता सी वह भी दिगंबर शिवतंबर च वंडिया गया। जे महात्मा बुद्ध की गल करिए तां महात्मा बुद्ध दा जिहड़ा धर्म आ, बुद्ध धर्म हैगा, वह भी दो फाड़ होया महायान ते हीनयान विच। कोई भी धर्म लै लो हरेक दो पासे ही हुंदे ने। जे ईसाइयां दा लै लईए, कैथोलिक ते प्रोटेस्ट, सिखां च भी बथेरे फाड़ बने पए ने। तां इसे तरह आपां हुण गल करांगे महात्मा बुद्ध दी, पहलां उहनां दे जन्म बारे, उहनां दीआं सिख्यावां बारे, उहनां दी सारे जीवन बारे जो उन्होंने जीवन में प्रसार किया, किदा उन्होंने अपना घर बार त्याग दिता, किदा किदा उन्होंने अपना जिहड़ा ज्ञान की प्राप्ति कित्थों हुई है, सारा सिस्टम अज आप जिहड़े वो लैक्चर करांगे। सब तो पहला महात्मा बुद्ध के जन्म बारे टॉपिक अपना महात्मा बुद्ध जां बुद्ध धर्म। जे मैं गल करां तो बुद्ध धर्म दे जिद्दां जैनिज़म सीगा कि 24वें तीर्थंकर सी महावीर स्वामी, उन्हां तो 23 पहला तीर्थंकर होर होए ने। तो इन्हां विच भी एक मानता कि बोधी स्तव कि महात्मा बुद्ध तो पहला भी बोधी स्तव होए ने, वो नॉर्मल जीवन अपना जिहड़ा जीवन त्याग के गए ने, पर जदों महात्मा बुद्ध वाले जीवन में आया तो उन्होंने की है निर्वाण प्राप्त होया। जे हुण मैं फर्क दसा बोधी स्तव ते इन्हां दे बारे महात्मा बुद्ध च, बोधी स्तव ये होंगे सी उन्हां दी जे धारणा देखी जाए महाजान वालां दी, जदों ये दो फाड़ होए उन्होंने बोधी स्तव नूं मनना शुरू किया कि बोधी स्तव सी जो वो बोधी स्तव ने अपना जिहड़ा जीवन त्याग दिता पर उन्हां नूं निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्हां दा मनना सी कि महात्मा बुद्ध तो पहला की सीगे बोधी स्तव होए ने, उन्हां नूं निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। निर्वाण जिहड़े की प्राप्ति हुई है महात्मा बुद्ध नूं हुई है, उस निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे ने, उन्हां नूं निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने अपना की किया महान त्याग, अपने जीवन के सारे जिहड़े तृष्णा होंदिया ने, जो अपन लालसावान होंदिया ने, उन्होंने त्याग देना अपने जीवन जो जो भी आप कह दी अपने इंद्रिया के स्वादली चीज़ा होंगे उन्होंने त्याग देना, उन्होंने महान त्याग बोलते हैं। वो बोधी स्तवा ने महान त्याग किया। तो महात्मा बुद्ध जन्म बारे करते हैं, इतिहासकारां दे वख वख मतभेद ने जन्म नूं लैके। कोई इन्हें डेट 567 ईस्वी पूर्व दसदा, कोई इन्हें जन्म डेट 564 ईस्वी पूर्व दसदा, पर जे आप मानता के तौर पर देखा जाए तो इन्ह के जिहड़े जन्म डेट है 567 ईस्वी पूर्व, इंग्लिश BC भी बोल सकते हैं, 567 ईस्वी पूर्व लुंबिनी नाम स्थान पर होया, कपिल वस्तु का सी। इन्हां दे जन्म बारे थोड़ी जी कहानी है। माता जी पिता का नाम देखा जाए इन्हां दा, तां पिता का नाम सी सुशोधन, माता का नाम महामाया,
हुण जन्म बारे दसदा छोटी स्टोरी है। महामाया कपिल वस्तु तो अपने पेके वल जा रही सी। कहिंदे हुंदे जदों गर्भ च हुंदा बच्चा हुंदा गर्भ च तां जिहड़ी लेडी आ उह जन्म देण वास्ते अपने पेके जांदी हुंदी आ तां रस्ते विच लुंबनी नाम दे स्थान ते उहनां नूं बच्चे ने जन्म लैता क्योंकि दर्द अचानक छड़े तो उन्होंने बच्चे नूं जन्म दिता। उह बच्चे का नाम सी महात्मा बुद्ध। तां उत्थी स्थान जन्म देण तों बाद उहनां ने हफ्ते बाद इन्हां दी माता दा की हो गया देहांत हो गया। उन्हां दी माता तों बाद इन्हां दी सिस्टर सी, सिस्टर दा नाम सीगा महाप्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की देख रेख बचपन तो लैके वह महाप्रजापति गौतमी ने की, जो इन्हां दी भैण जो महामाया से उन्हां दी भैण सी ते उन्हां नाल दूजा विआह किया हुआ सी सुयोधन नाल। जे अगे आपां उन्हां दे विआह बारे गल करिए तां महात्मा बुद्ध दा विआह कोलियन वंश की राजकुमारी सुशोधरा नाल होया। कोलियन वंश की राजकुमारी सुशोधरा कोलियन वंश की राजकुमारी सुशोधरा नाल होया। इन्हां दे घर एक संतान ने जन्म लिया। संतान का नाम सी राहुल। राहुल का जो शाब्दिक अर्थक आप करिए तो उहदा मतलब है बंधन। तो महात्मा बुद्ध नूं लगता सी कि संतान तो बाद वह एक बंधन में बच चुके ने। जे गल बचपन की करिए महात्मा बुद्ध तो कहिंदे जदों जन्म होना सी महात्मा बुद्ध दा तां दो साधु बुलाए गए घरे। तो साधुओं तो उन्हां दी भविखबाणी बारे जाणा गया। तो भविखबाणी ये की उन्होंने कि यह वड्डा हो के जां तां बहुत वड्डा संत बनेगा जां फिर बहुत वड्डा राजा बनेगा। पर जो इन्हां दे हाव भाव सी बचपन तो वो सारे की सीगे संतां वाले सी। तां उन्हां दे पिता नूं डर दिल विच डर बैठ गया कि अपने बच्चे का मैं मन लगाउण वास्ते अलग तो उन्होंने इन्हां दे रुत्तां दे हिसाब नाल महल भी तैयार करवाए। तो इन्हां दी देख रेख विच कोई कमी नहीं छड्डी कि इन्हां दा मन जिहड़ा की आ संसारक कामां विच लग्या रहे ना कि इन्हां दा मन जिहड़ा कि कल्लापण रहिण नूं करे क्योंकि इह कल्ला रहिणा पसंद करदे सीगे। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਚੰਨ ਸੀ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ, ਮਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਆ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ ਅੰਤ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਲਾਲਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹੁਣ ਲਾਲਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਆ,
जे कोई साधु संत होगा तो वह अचीव करने वास्ते चीज़ा भजदा नहीं, तो उन्होंने जो साधु ने देखा तो उन्होंने मन में यह चीज़ आई कि इन्होंने कोई संसार नाल अटैचमेंट नहीं रखी हुई ता करके इन्ने खुश ने। तो उन्होंने फिर उतों एक निर्णय ले लिया कि मैं ये जिहड़ा संसार है ये संसारक मोह माया अपना परिवार आ वो त्याग के तपस्या लिए चला जावांगा, उस जिहड़ा साधु की तरह मैं जिहड़ा की आ तप करना चाहुंदा। तो फिर की होया उन्होंने एक रात पूर्णमाशी वाली रात घर बार त्याग दिता। हुण इत्थे एक क्वेश्चन बनता, कई बार क्वेश्चन आ जाता कि महात्मा बुद्ध ने जो घर बार त्यागया तो जिहड़े घोड़े दे गए से घोड़े का नाम की है। हुण घोड़े का नाम सी वह कंथक, ये नोट रखियो, कंथक घोड़े का नाम सी। घोड़े लैके वह चले गए, उतों वह जंगल वल चले गए, अपने जो राज दा जंगल सीगा। सब तो पहला उन्होंने जो अपने गुरु धारे, वो गुरु का नाम सी अलार, दूसरे का नाम सी उदरक, उन्होंने तो सिक्ख्या प्राप्त करी, पर जिहड़ी है मन नूं तृप्ति इन्हां नाल नहीं हुई। तो अलार और उदरक तो थोड़ा टाइम उन्होंने कोल रह के तो वह की आ जंगल वल चले गए। जंगल च जाके उन्होंने की किया, जंगल के जाके उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने नाल होर भी जिहड़े सीगे ब्राह्मण सीगे जिहड़े उन्होंने नाल घोर तपस्या कर रहे सी। टाइम बीतदा गया, महीनेबंदी जिहड़ी आ तपस्या चलती रही, भुखे रहे, बहुत जिहड़ियां सारियां मुसीबतां झलियां। आखिर नूं की आ उन्होंने शरीर एक पिंजर की तरह दिसण लग गया, पर जिहड़ी आ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो अंत विच उन्होंने यह निर्णय लिया कि जिहड़ी है तपस्या उहदे नाल भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उन्होंने जिहड़ी आ तपस्या अपनी तोड़ती। हुण जदों तपस्या भंग करती है जिहड़े उहदे नाल उह बैठे सी तपस्या करन, उन्होंने लग्गिया कि शायद यह बंदा अपने जिहड़े आ की है तपस्या दे खरा नहीं उतर सकिया, इहदे नाल रहिदा की फायदा। उन्होंने उहनूं छड़ता महात्मा बुद्ध नूं, तां महात्मा बुद्ध ने उस समय कहिंदे एक लड़की तो सुजाता नाम सी लड़की दा, सुजाता तो दुध पी के अपना जिहड़ा की आ वर्त तोड़िया, रोटी नहीं सिखाती तो वर्त तोड़ के की आ उन्होंने फिर तपस्या विच लीन हो गए। उन्होंने हुण जिहड़ी आ तपस्या वो अपने शरीरक नूं कष्ट दे के नहीं सी, उन्होंने एक पिप्पल दे नीचे बैठ गए, मृग बाग सीगा, मृग जां बाग ला लो जां बण ला लो, मृग बण विच उत्थे बैठ के उन्होंने दोबारा फिर समाधि विच लीन हो गए। तो थोड़े दिनों बाद उन्होंने की है ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। हुण उस ज्ञान की जिथे प्राप्ति हुई उहदा नाम की है, बोध गया। पिप्पल दे नीचे कई बार क्वेश्चन आ जाता हूँ कि दरख्त के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, पिप्पल के नीचे नाम की सी मृग बाग जां मृग बण, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। हुण जदों ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो दोबारा फिर वह की है अपने नगर वल गए। उत्थों पहुँचे वह नगर तो होंदे हुए कुशीनगर, उत्थों होंदे हुए हो गए कुशीनगर तो सारनाथ। इत्थे आ के उन्होंने इत्थे आ के वह साधु भी दे नाल जिहड़े इत्थे आ के मिल जाणगे, जिहड़े साधु सी जिहड़े उन्हां नाल तपस्या कर रहे सी छड्ड के सी, किवें मिलणगे सारनाथ जाके उन्होंने जिहड़ी उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने उत्थे आ के अपना उपदेश दिता। वह उपदेश सुनिया लोगों ने तो लोग जिहड़े प्रभावित होए, वह साधु भी प्रभावित होए, तो उन्होंने नाल चल पे, उन्होंने उपदेशों सुन के उन्होंने नाल चल पे, वह साधु जिहड़े ने उन्होंने छड्डिया सी। तां उत्थों कहिंदे सारनाथ तो उन्होंने 60 जिहड़े आ उन्होंने भिंक्षु जिन्हां नूं भिंक्षु बोलिया 60 उन्होंने नाल चल पे। उस तो बाद चलते हुए वह गए कपिल वस्तु, कपिल वस्तु जिथे उन्हों का आपदा नगर से, उत्थे उन्होंने पिता सुजोधन ने उन्हों की घरवाली यशोधरा, उन्हों की जिहड़ी मासी सी उन्हों का बेटा राहुल, उन्होंने की किया उन्होंने चंगी तरह स्वागत किया, तो आप भी खुद बुद्ध धर्म ग्रहण किया। जिस तो अलावा आप देखिए राजा से उस समय का मगध का, मगध राज का नाम की सीगा अजात शत्रु, उन्हें भी बुद्ध धर्म जिहड़ा ग्रहण किया। उस तो बाद कौशल का सीगा प्रसेनजीत,
प्रसेन जित ने भी किया अपनिया दो भैन अपनी घरवाली के नाल बुद्ध धर्म ग्रहण किया। इस तरह महात्मा बुद्ध अगे अगे जा रहे हैं, जिथे भी जा रहे हैं उत्थे उन्होंने की आ जोड़े लोग उन्होंने धर्म को ग्रहण कर रहे उन्होंने नाल जुड़ रहे हैं। आ दो ना याद रखियो, मगध तो जा शत्रु ने जिहड़ा किया धर्म अडॉप्ट ते कौशल तो प्रसेन जित। तां जे देखा जाए पहला बोधी मठ बारे गल करांगे कि बोधी मठ हुण जे भिंक्षु नाल जुड़ गए ने सठ भिंक्षु ने, तो पहले बोधी मठ की जिहड़ी जगह उहदे बारे आपां गल करांगे। कौशल राज विच जदों उह गए सी प्रसेन जित ने अपना अडॉप्ट कर लिया धर्म, प्रसेन जित का बेटा सीगा जेत, ये नाम याद रखियो राजकुमार जेत। उहदे कोल एक बाग सीगा जेत बाग, जेत बाग जां जेत बन। उत्थों दा एक सेठ सीगा जिहड़ा बहुत ज़्यादा जिहड़ा फॉलो करदा सी महात्मा बुद्धे धर्म नूं, उहदा नाम सी अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक सी जिहड़ा महात्मा बुद्ध नूं फॉलो करदा सी, तां उहने रिक्वेस्ट कीती राजकुमार जेत कोल कि मैं अपनी सारी जिहड़ी आ संपत्ति दे बदले च उह बाग लैणा चाहुंदा जेत बाग, ते उह किहनूं गिफ्ट करना चाहुंदा महात्मा बुद्ध नूं, तां कि उह अपना की आ पहला बोधी मठ बना सकण। हुण बोधी मठ की हुंदा, बोधी मठ उह हुंदा जिथे भिंक्षु अते भिंक्षुणियां रहिंदे आ। हुण भिंक्षु कौन हुंदे ने, भिंक्षु नंबर वन, नंबर टू ते उपासक, इहदे विच डिफरेंस गल च हैगा। हुण भिंक्षु उह हुंदे आ जिहड़ा अपना घर बार त्याग के चल पैंदे ने प्रसार करन महात्मा बुद्ध दा। उपासक उह हुंदे ने जिहड़े घर बार रह के अपने गृहस्थी जीवन विच रह के महात्मा बुद्ध दा प्रसार करदे, उहनां नूं उपासक बोलदे आ। जे गल करिए हुण महात्मा बुद्ध दी डैथ बारे, सुन दस्या कि ऐदा ऐदा सारे जिहड़े राज विच इस तों इलावा उह पाटलीपुत्र विखे भी गए, जो समय दे जनपद से उन्होंने सारे में उन्होंने अपना की आ प्रसार किया, अपने बोधी भिंक्षुओं को भेजा। जो उन्होंने डैथ बारे गल करिए कुशीनगर च जिहड़ी उन्हां दी मौत हुई है, कुशीनगर विच उन्हां दी मौत हुई। कहिंदे किसे उह लोहार दे घर उन्होंने रोटी खाधी, तो वह रोटी खाण तो बाद खाना खाण तो बाद उन्होंने पेसज की बीमारी हो गई, उन्होंने पेट विच इनफेक्शन हुई, जिस तों बाद वह बीमार रहण लग गए। तो कुशीनगर विच जदों वह अपना उपदेश दे रही सी लोगों नूं, तो उस समय उन्होंने की ज़्यादा बीमार होने करके 80 साल की उम्र विच उन्हां दी की आ डैथ हो गई। हुण आपां करांगे उन्हां दी डैथ तो बाद दा समां। महात्मा बुद्ध ने अपने समय जिहड़ा प्रसार हैगा वो एक सीमित इलाकियां विच कीता, पर हुण जिहड़ा उन्हां दी डैथ तो बाद महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे इलाकियां विच जिहड़ा हरमन प्यारा हो चुका सीगा बुद्ध धर्म। हुण गल करांगे आपां उन्हां दीआं सभावां बारे जिहड़ियां उन्हां दी डैथ तो बाद सभा हुई है। पहली 487 ईस्वी विच हुई है, ईस्वी पूर्व विच पहली बोधी सभा। बाकी सभा विच बाद च करांगे क्योंकि ये जिहड़ी बोधी सभा महात्मा बुद्ध दे कुछ कु महीनों बाद उन्हें डैथ तो कुछ कु महीनों बाद ही ये बोधी सभा हुई है 487 ईस्वी पूर्व। जे गल करिए इस दी प्रधानगी किने कीती तां महाकश्यप
जे गल करिए उस समय राजा कौन सी, राजा कौन सी, अजात शत्रु। हुण महात्मा बुद्ध की डैथ हो गई है तो यह मीटिंग क्यों रखी गई है वो बारे दस दें। मीटिंग रखी गई है उन्हां दे जो ग्रंथ ने त्रिपिटक, त्रिपिटक ग्रंथां नूं वर्णित करन वास्ते। हुण जे गल करिए महात्मा बुद्ध दीआं सिख्यावां बारे, ये पहली बोधि सभा तुहानूं मैं तां पहलां दसी है क्योंकि उन्हां दी मौत तो कुछ कु महीनों बाद ही आयोजित की गई सी कि उन्हां जो त्रिपिटक ग्रंथ ने किहड़े किहड़े सी ओह त्रिपिटक ग्रंथ। सब तो पहला सुतपिटक, दूसरा अभिधम पिटक, तीसरा विनय पिटक। जे हुण सुतपिटक की गल करिए तां इहदे विच की सीगा महात्मा बुद्ध दे जीवन बारे सी, उन्हां दा जीवन ते उन्हां दीआं यात्रावां बारे। जे अभिधम पिटक की गल करिए तां इहदे विच की सीगा जीवन आदमी दा, उदा निर्वाण प्राप्ति लई की कर सकदा हो, जे विनय पिटक की गल करिए विनय पिटक विच की सीगा बुद्ध धर्म विच भिक्षु ते भिक्षुआं दे निजमां बारे सी, ये धर्म विच उह निजमां नूं किवें फॉलो कर सकदे आ, की रूल्स ने उहदे बारे सी। तां इह जिहड़े आ तीन त्रिपिटक जिन्हां नूं बोलदे आ उह सी। जे हुण गल करिए उहनां दी सिख्यावां बारे तां सिख्यावां नॉर्मली सी सच बोलना, सच्चा आचरण, सच बोलना, चोरी ना करना, उही जो महात्मा महावीर स्वामी जी दीआं सिख्यावां सीगीआं उहनां बारे सी बस। अगे आप गल करांगे इहनां दे संप्रदाय बारे। किन्ने मिनट दी होगी